सतराह से तकरीबन 2.5 किलो का होगा, 2.5 से 3 केजी का होगा। देख सकते हैं आप, पानी बहुत उड़ा रही है। पल्ले का बच्चा है, जो पल्ला मछली होता है ना, ये उसका बच्चा है, इसको खिला। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हमें तीसरा दिन है फ्रेंच बीच में मछली पकड़ने आए हुए हैं, और ये भाई गए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, भाई बाहर गए हुए हैं जाल फेंकने के लिए। ये खड़े हुए लेरों के इंतज़ार में जिसमें मछलियाँ आती हैं, फिर ये जाल फेंकते हैं, ये जाल फेंकते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर इस जाल में थोड़ी मछलियाँ पड़ी हैं इस मरतबा, कोई फ्रेंच बीच के इलाके में एक ही भैया है वाली जो है। ये एक दूसरी नस्ल है, ये गोई नहीं है, इसको फरा बोलते हैं यहाँ पर, ये दूसरी नस्ल की, क्योंकि इसमें देखें ये बिल्कुल ही प्लेन है ना, और दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ उस पर लकीरें होंगी, ये देखें इसके में हल्की हल्की लकीरें, शायद आपको कैमरे में दिख रही है, पता नहीं इसमें लकीरें, ये भी वही है, इसमें देखो लकीरें, ये सारी भैया एक साथ। पर एक और जाल में दूसरी मछली पड़ी है, ये बेचते नहीं है, इसको पली बोलते हैं, और ये पल्ले का बच्चा है, जो पल्ला मछली होता है ना, ये उसका बच्चा है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे पानी में ताकि ये बड़ा हो जाए, क्योंकि ये छोटा तो किसी काम का नहीं है, ये पल्ला मछली है, इसको हम लोग रिलीज कर लेते हैं। तो भाई एक बार और मछलियाँ बढ़ गई हैं, देखें आप, पहले वाली ये रही, दूसरी ये रही। एडो मारू कौन दस दिवाले मछिया है सनडी है ना। तो भाई ये दो चक्कर में इतनी मछलियाँ हुई है, पहले एक चक्कर था, एक चक्कर ये अभी भी जिंदा है, देखिए आप माशाल्लाह से दो चक्कर की मछलियाँ, आज हमें तीसरा दिन है यहाँ पर। तो मैं तो आपको दिखाता हूँ वहाँ पर जा रहे हैं लेरों में जाल फेंकने के लिए, ये देखना आप माशाल्लाह से, और ये एक ने फेंका, मैं उठ जाता हूँ, ऊपर पानी आ रहा है नीचे, और ये दूसरे ने फेंका, और अभी तीसरा ही फेंक रहा है। तो चलो ये नज़दीक आते हैं मछली उठा के, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मछिया है, भाई इस चक्कर में, तीसरे चक्कर में ये मछली आई है, आप देखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर में डालता है वहाँ, इतना जो पानी चढ़ रहा है ऊपर, इसको ये भी बेचारा खाए भले बेचारी, सॉरी। तो भाई ये फिर से सजाद भाई जा रहे हैं चौथी मरतबा, तो ये जैसे ही बाहर जाते हैं, वहाँ पर एक बंदे की थोड़ी ज़्यादा मछली पड़ी है, बाकी ये जैसे ही बाहर जाते हैं फिर आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये फेंक के मारा मुझे मछली, ये जेब में थी उनके, बाहर पड़ी होगी, इन्होंने पकड़ी होगी। तो ये तीन चक्कर के बाद मछलियाँ ये जमा हुई हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये रही इतनी सारी माशाल्लाह। तो भाई यहाँ पर राड कास्टिंग वाले जो बंदे हैं उनके भी मछलियाँ आई है, ये मैं आपको दिखा लूँ जूम करके, ये राड कास्टिंग करते हैं वो, ये राव से माशाल्लाह से ज़बरदस्त मछली है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये राड कास्टिंग वाले बंदे हैं, ये बाहर जो थे मैंने आपको दिखाए थे वो आए, इनके पास एक मछली भी है मेरे ख्याल से राव से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। ये राड पर निकालते हैं, ये हुक्स होते हैं राड के, ये माशाल्लाह से देखें, ये राव से केयर करियो, तू करियो मच्छी जी नवाज दी लगी हम सजा चेयर रे, मच्छी सजा चेयर रे नवाज दी लगी डोर रे वेली माशाल्लाह से रामा से तकरीबन 2.5 किलो का होगा, 2.5 से 3 केजी का होगा, ये सवार है गाड़ियों।
रिएक्शन होते तो ये रीला है यहाँ करिए तो ये सारी पांचवें चक्कर की मछली है निकाल देता हूँ। हर चक्कर की तरह एक और उस पर भी एक किसको खिलाएंगे, ये बेचारे हमारे साथ है जब से हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये भी भले खाए। तो ये पांच चक्कर के बाद, क्योंकि चौथा चक्कर वहीं पे फेल हो गया था, वो वहीं पर ही चार थी मछलियाँ, वो वहीं पर ही जेब में डाल ली थी, वहाँ से अभी लेकर आए। और ये पाँच चक्कर के बाद ये मछलियाँ मिली माशाल्लाह से बहुत हैं इस चक्कर में। आपको घूम करके दिखाना, बजी तालू पकड़ी बची बचे मजे का लेट आए यार, सुबह करो कि नहीं करो पास उठा ना अच्छी मन हो गया ले ला दूसरो पूरा हो जाए। तो भाई ये छह चक्कर की टोटल मछलियां हो गई, ये अभी जमा की हैं, ये आप देखें माशाल्लाह से मछली हो रहे हो रे भैया यार। तो भाई ये सातवां चक्कर है जिसमें मछलियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हैं माशाल्लाह से, मैं सात कर लूँ उनको, ये देख सकते हैं आप पानी बहुत उड़ा रही हैं, तो उठा के छले में डालते हैं फिर इनको बाद में धोएंगे सबको सात करके।